प्यारा श्री राम राम जी के बिगड़े सवारी तुने का राम जी के बिगड़े सवारी तुने का। जामवंत जी हनुमान जी को गए काफी समय व्यतीत हो चुका है, किंतु क्या कारण है कि वो अभी तक नहीं लौटे? अंगद जी, हनुमान जी का जन्म तो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए हुआ है, वो शीघ्र आते ही होंगे। वो देखिए हनुमान जी आ रहे। हर्षे सब बिलो की हनुमान नूतन जन्म कभी तब जाना। जामन जी, हनुमान जी नल जय श्री राम। हनुमान जी, आपके प्रसन्न मुख को देखकर प्रतीत होता है कि आप माता जानकी का पता लगाकर ही लौटे हैं। अंगद जी, जामन जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैं अपने कार्य में पूर्णतः सफल होकर ही वापस लौटा हूँ, किंतु भाइयों, माता जानकी जी बड़ी दीनहीन अवस्था में लंका के उद्यान अशोक वाटिका में निवास कर रही है, इसलिए आप हमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए और शीघ्र चलकर अपने प्रभु को सूचित कर देना चाहिए। चलिए हनुमान जी। जय श्री राम। लीजिए प्रभु, हनुमान जी चले आ रहे हैं। चले हर्ष रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। जय श्री राम। हे प्रभु, हनुमान जी ने माता जानकी का पता लगाने के लिए जितना बड़ा कार्य किया है उसका सहस्त्रों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु, सहस्त्रों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। विजय पाई इन श्री चरणों लाया था वन प्रदान कर हम सबको। हनुमत ने पूरा कार्य किया। हे हनुमान जी, कहिए वहां जानकी किस प्रकार रहती है? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? भगवान, माता जानकी जी ने आपके श्री चरणों में अपना प्रणाम कहा है और चलती बार अपनी ये चूड़ामणि चिन्ह के रूप में दी है और कहा है कि प्रभु तो बड़े दयालु हैं, वह सबका संकट दूर करने वाले हैं, फिर वो मेरा संकट कब हरेंगे? हे नाथ, चलती बार कहा मुझसे सब मेरी व्यथा सुना देना, जो बाण जनता पे छोड़ा उसकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे जो मुझे बिसारे बैठे हैं, प्रण पालक कहला कर फिर क्यों प्रण को हारे बैठे हैं? एक माह तक और मैं रक्षा करूंगी प्राण की, जो ना आए राघव को फिर ना मिलेगी जानकी, फिर ना मिलेगी जानकी। हे रघुनाथ जी, अब और विलंब करना उचित नहीं, क्योंकि वहां जानकी जी को एक एक पल शत शत वर्षों की भांति प्रतीत हो रहा होगा। हाँ सुग्रीव जी, अब हमें समस्त वानर सेना सहित समुद्र तट पर चलकर समुद्र को पार करने की युक्ति पर विचार करना चाहिए। चलिए प्रभु। जय श्री राम।